ये पंजी नंबर 4 की, जिसको आप लोग साला पूर्व शिक्षा के नाम से जानते हैं, जो कि आंगनवाड़ी का चौथा रजिस्टर है, जिसमें साला पूर्व शिक्षा से रिलेटेड जो गतिविधियाँ होती हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि रजिस्टर के फ्रंट पेज पे आप लोगों को क्या भरना है, जिसमें से जिला, ICDS, सेक्टर का नाम, ग्राम, वार्ड, आंगनबाड़ी केंद्र, साथ ही साथ कार्यकर्ता और सहायिका का भी नाम, प्लस आंगनबाड़ी का एक कोड होता है, वो कोड भी आपको वहाँ पर फिलअप करने हैं। अब देखते हैं इनमें कौन सी चीज़ें फिलिंग की जाती है। इसमें दो खंड होते हैं। सबसे पहला खंड है वो है 1A, इसमें 3 वर्ष से 4 वर्ष के सभी बालिकाओं के लिए साला पूर्व शिक्षा होती है, अर्थात इसके रिकॉर्ड इसमें फिलिंग किए जाते हैं, जिनमें अगर हम देख लें, आप लोगों को क्रमांक फिल करना है, परिवार की संख्या फिल करनी है, परिवार में क्रम संख्या जो भी है 3 से 4 वर्ष के सभी बालिकाओं के, उसे फिल करना है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली कि यहाँ पे बालिकाओं लिखा है, अर्थात यहाँ पे सिर्फ बालिकाओं के लिए ही होगा, बालकों के लिए ये खंड नहीं है। उसमें उनके नाम, आयु को भी आप वर्ष और माह में दर्ज करेंगे, वो जिस भी कैटेगरी में आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य, वो आपको भरना है। अगर वो प्रदेश में अल्पसंख्यक है तो आप हाँ या नहीं में ऑप्शन है, यहाँ पे आप भर सकते हैं। वो विकलांग है कि नहीं, यहाँ पे विकलांग से मतलब सभी प्रकार के विकलांगता से है, जैसे कि शारीरिक, मानसिक और या तो फिर फिजिकल जो भी चीज़ें हैं उस पर अगर विकलांग है तो हाँ और ना में आप फिल कर सकते हैं। साला पूर्व शिक्षा में उपस्थिति की कुल दिनांक, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आंगनबाड़ी में उनके द्वारा जो चीज़ें जब जब भी उनके द्वारा आया गया है, प्रेजेंटी दी गई है, तो उपस्थित कुल दिनों की संख्या यहाँ पे आपको फिल करनी है, जो कि यहाँ से लेके पूरे 31 दिनों तक का दिया गया है। महीने में 30 और 31 दिन होते हैं जब तक के आप इसमें फिल कर सकते हैं। और प्राथमिक शाला कक्षा 1 में जब वो बच्चा यहाँ से पढ़ के आगे निकलेगा सारा पूर्व शिक्षा ग्रहण करके, तो कक्षा 1 में प्रवेश करने की जो उसकी डेट होगी बालिका की, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। खंड ए में इतना ही है। अगर खंड बी की बात करें, देखिए खंड 1B, इसमें 4 से 5 वर्ष की सभी बालिकाओं के लिए, तो ये साला पूर्व शिक्षा जो रिकॉर्ड है केवल बालिकाओं के लिए ही है। अब इसमें भी वही सेम चीज़ें हैं, बस इसमें वर्ष बदल गए हैं। इसमें आप 4 से 5 वर्ष की बालिकाओं के लिए उनकी जो क्रमांक है, परिवार की क्या संख्या, परिवार में उनकी क्या क्रम संख्या है, नम, आयु, कैटेगरी, सब कुछ लिखेंगे,